जौनपुर के पनागर में एनजीओ के माध्यम से विवेकानंद वार्ड में गरीब बच्चों के बीच पहुंचकर ठंड के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े वितरित किए गए। टॉफी, बिस्किट, कॉपी किताब का वितरण भी किया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। एनजीओ संचालकों ने भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर गुरु नानक वार्ड के क्षेत्रीय पार्षद, प्रेसिडेंट इन काउंसिल, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी प्रीति बहादुर राय, अनुराग मिश्रा मौजूद रहे। अनुराग मिश्रा, जैन वेलफेयर फाउंडेशन से। आज एक पहल जनसेवा समिति की ओर से आए हुए सभी समाजसेवी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। हम पनागर नगर में स्ट्रीट क्लास चलाते हैं। इसमें हम पनागर के स्लम एरियाज़ में जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से हट चुके हैं, उनको वापस से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस मुहिम में हमारे साथ जो भी हमें सबसे प्राथमिक समस्या होती हैं उनको निवारण के लिए आज एक पहल जनसेवा समिति से श्वेता वाके जी और सभी साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी क्षेत्र में, हमारे जबलपुर क्षेत्र में जहाँ भी इस तरीके के बच्चे हैं, स्लम एरियाज में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी बच्चों को आपके माध्यम से शिक्षा की वापस से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। कौन सी क्लास से स्कूल शुरू है, कौन सी क्लास तक? ये बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं जो नशा वगैरह करते हैं, प्राइमरी आंगनवाड़ी में भी कुछ बच्चे रहते हैं, हम उनको से लेकर आज टेंथ तक के बच्चे हैं। टेंथ के आगे के बच्चे तो इसलिए नहीं है क्योंकि इस एरिया में टेंथ के आगे के बच्चे हैं ही नहीं, वो सारे लेबर बन चुके हैं। तो अब हमारी ये मुहिम है कि आने वाली पीढ़ी जो है पीढ़ी है वो टेंथ से भी आगे पढ़ पाए और आने वाले भविष्य को कुछ एक अच्छा वे के ओर से रोजगार प्राप्त करें, ना कि उस पर मजदूरी करना पड़े। कौन सा एरिया है ये? ये पनागर का विवेकानंद वार्ड और जयप्रकाश वार्ड कहलाता है। ये एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के ही पूरे बच्चे हैं। आपका नाम है? मैं अनुराग मिश्रा, जय हिंद वेलफेयर फाउंडेशन पनागर से। पहल जन सेवा समिति जो हमारी एक छोटी एनजीओ है, जिसके माध्यम से आज हमने ये बच्चों को कपड़े वितरण किए और साथ में कुछ स्टेशनरी संगीता गुप्ता जी की तरफ से उन्होंने वितरित किए हैं और गर्म कपड़े वितरित किए हैं। और हमारी ये पहल हमेशा रहेगी कि हम इन बच्चों के साथ हमेशा आगे तक रहे ताकि हम इनके अच्छे से अच्छी इनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाए। थैंक यू। मैं डॉक्टर अर्चिता पेंड से, मैं जनसेवा एक पहल की मैं उपाध्यक्ष हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्वेता घोटिया एक पहल जनसेवा समिति के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ अनुराग मिश्रा जी का जो यहाँ पे निशुल्क जो स्कूल चलता है पन्नागर में, वहाँ पे हम लोगों ने ग्रामीण बच्चों को जो मुफ्त में शिक्षा देते हैं, जो उनका जो प्रयास है बहुत ही बढ़िया है। और हम लोग उन बच्चों को और अनुराग मिश्रा जी को इनकरेज करने के लिए, उनकी टीम को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों ने अपनी संस्था के द्वारा इन बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कान के टोपे, मोजे और कुछ खाने पीने के पैकेट्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे आएँ और इन बच्चों को, मतलब छोटी छोटी जो उनकी, मतलब जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ठंड में अभी बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रामीण बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता है। शहर में तो सभी बच्चों को सब कुछ संस्थाओं के द्वारा मिल जाता है, लेकिन इन बच्चों को यहाँ पर कोई नहीं देता है। तो हमारी संस्था ने एक पहल की है कि हम लोग इन बच्चों को ठंड भर आके हम लोग इन बच्चों को जो इनकी जो प्राथमिक चीज़ें होंगी वो हम लोग उनको यहाँ ला के देंगे। नमस्कार। जौनपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।